आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का पिज्जा। सूजी का पिज्जा बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी, गाजर, टमाटर, प्याज, चुकंदर, पत्ता गोभी, हरी मिर्च, महीन कटी हुई धनिया पत्ती, दही, मक्खन, चीज, बेकिंग सोडा। अब इसे बनाना कैसे मैं आपको बतला रही हूँ। सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में सूजी को लेंगे और उसमें हम डालेंगे ये दही। दही हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच और उसे हम अच्छे से मिला देंगे इस तरह। अब इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक हम वो 10 मिनट तो सूजी फूलेगी, तो ये मैंने वो एक गाजर, 2 टमाटर, 1 प्याज और इतनी बड़ी पत्ता गोभी, एक छोटी कटोरी नमक, 1 बड़े चम्मच धनिया पत्ती और 2 हरी मिर्च, चुकंदर को इस तरह बारीक काट लिया था। जब तक हम ये सब काम कर रहे हैं तो हम गैस पर तवा चढ़ा दिए हैं गरम करने के लिए। देखिए 10 मिनट हो गया है, प्लेट को हटा के देखते हैं। सूजी अच्छे से फूल गई है, अब इसे हम चम्मच से मिलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा लग रहा है। पानी हम केवल 2 बड़े चम्मच डाल रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा पानी डाल देंगे तो पतला हो जाएगा। और इसमें साथ ही हम डालेंगे नमक। नमक मैंने 2 टीस्पून डाला, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालना, बेकिंग पाउडर नहीं, जो खाने वाला सोडा होता है वो डालता है इसमें। डाला धनिया पत्ती, सभी मिली जुली सब्जियां जो मैंने बताई थी, प्याज, गाजर, टमाटर, चुकंदर, हरी मिर्च, वो भी इसमें इस तरह से मिला देंगे। देखिए इसको चम्मच से इस तरह हमने मिला लिया है। ये थोड़ा भी गाढ़ा और लग रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी, 1 चम्मच करीब पानी और डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिलाएंगे इस तरह से। मिला दिया, इसका कितना सुंदर कलर आया है। गैस पे हमने तवा रख दिया था गर्म होने के लिए। गरम हो गया है, अब उसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा मक्खन। आप रिफाइंड तेल भी लगा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि मक्खन ही लगाना है। मैं मक्खन लगा रही हूँ, आप रिफाइंड तेल भी लगा सकते हैं इसमें। मक्खन पिघलेगा तो अब इसको हम डाल देंगे। देखिए आपको जितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से आप इसको डाल दीजिए। इस तरह से हल्का फैलाना, बहुत पतला नहीं करना है। मैंने 2 बड़े चम्मच मिश्रण डाला है सूजी का। इस तरह से गोल कर दीजिए, जैसे पिज्जा एकदम गोल होता है उसे हल्का सा चारों तरफ ऐसे। इसको हम ढक देंगे एक प्लेट से और गैस की आंच को हम मध्यम कर देंगे। 5 से 7 मिनट बाद हम प्लेट हटा के देखेंगे पिज्जा एक तरफ से पक चुका है कि नहीं। देखिए 5 से 7 मिनट हो गया है, अब हम प्लेट को हटाते हैं और देखते हैं कि एक तरफ से पिज्जा पका है कि नहीं। इस तरह से हम इसको निकाल लिए, पिज्जा पक चुका है। अब इसे हम इस तरह पलटते हैं। देखिए कितना सुंदर इसका कलर आया है, गोल्डन ब्राउन बिल्कुल। और इसमें भी हम दूसरी तरफ भी थोड़ा मक्खन लगाएंगे। ऐसे साइड साइड से आप मक्खन थोड़ा थोड़ा डालिए, बहुत ज्यादा मक्खन की इसमें जरूरत नहीं होती है। इस तरह से चारों कोने में मक्खन डाल दिए, गैस की आंच को अब तेज कर देंगे।
तो ये हम पलट कर देखते हैं दूसरी तरफ से सीख गया कि नहीं। देखिए दूसरी तरफ से ये बिल्कुल अच्छी तरह सीख गया है, को अंदर से पता ही नहीं उसका, बस जैसे आप केक देखते हैं वैसे ही देखिए चाकू लगा कर, ये देखिए बिल्कुल चाकू में भी नहीं लग रहा, तो समझ लीजिए अच्छी तरह ये सीख गया है। गैस की आंच को फिर हम कम करेंगे और इसके हम ऊपर लगाएंगे चीज की स्लाइस। आपके पास घर में जो भी चीज हो, जरूरी नहीं कि इसके लिए आप ये वाला चीज लाइए, जो भी चीज हो आप उसको लगा सकते हैं इसमें इस तरह से। ये मैंने अमूल का चीज लिया है, आप कोई भी चीज इसमें लगा सकते हैं। इस तरह से हमने इसको चीज लगा दिया। प्लेट में कर लेंगे, आप दूसरा देखिए मैंने किस तरह इसको बनाया था। एक मैं आपको और बना के दिखाती हूँ। इसका दो बड़े चम्मच मैंने इसमें से फैला कर एक चम्मच और ये सूजी का मिश्रण डाला, इसको हल्का सा फैलाया, बहुत पतला नहीं करना है कि जब इसको आप देखते हैं ना मुझे जितना मोटा रहता है उतना ही मोटा इसको रखना है। ये फिर ढक देंगे 5 से 7 मिनट बाद, पलट कर आप देखेंगे पकड़ा भी कौन। सूजी का पिज्जा बनकर तैयार है, आप बनाइए मुझे बतलाइए आपको कैसा लगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।